नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल चैनल नंबर एक और एन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस खास और विशेष सत्र में जो कि हम लेकर आते हैं समावेशी कक्षा के प्रति और इस सत्र में हम अपनी समझ का दायरा बढ़ाते हैं समावेशी कक्षा के प्रति और जैसा कि आपको टेलीविजन स्क्रीन पर मेरे साथ नजर आ रहे हैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर चलिए उनसे परिचय लेते हैं हैं श्री निर्भय कुमार निर्भय आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं विषय है हिंदी और हिंदी की पहली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत कविता जिसका शीर्षक है पतंग जो कि हम सब बहुत पसंद करते हैं ये बड़ों और बच्चों सबका पसंदीदा खेल है और हमारे बच्चे क्योंकि पहली कक्षा के हैं बहुत छोटे हो जाते हैं तो किस तरह से वो इस चीज़ के बारे में इस खेल के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ जो हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं चलिए उनसे भी परिचय लेते हैं आप हैं मिस डॉक्टर भारती कौशिक आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं सी आई से मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार और अपने सभी देखने वालों को हम कहेंगे कि बच्चों आपके मन में कोई भी सवाल आए या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं या फिर आप अपना कोई भी अनुभव साझा करना चाहते हैं तो बेझिझक आप हमसे जुड़ सकते हैं आप अपने बड़ों से हमें कॉल करवा सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन या फिर आप हमें ईमेल करवा सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस है डी टी एच डॉट क्लास वन द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, यानी कि एन सी ई आर टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हैं, तो आप लाइव चैट बॉक्स में जाएंगे अपना कमेंट ड्रॉप करवाएंगे इन तमाम माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इस लाइव इंटरक्टिव फोन इन सेशन में और हमें इंतजार रहेगा आप सभी के अनुभवों का आप सभी के मैसेजेस का तो जब तक हमारे बच्चे माम हमसे जुड़ते हैं हम आपके पास आते हैं और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हमारी आज जो शीर्षक है कविता बहुत ही अच्छी है और रोचक कविता है पतंग इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि पतंग क्यों उड़ाते हैं और कब उड़ाते हैं माम देखो जब हम खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं हम गाना गाते हैं ताली भी जाते हैं और जब हम खुश होते हैं तो हमारा मन करता है कि हम कुछ हटके करें अब वो हटके क्या है तो पतंग भी एक ऐसा ही जरिया है जहाँ हम अपनी खुशी को अभिव्यक्ति देते हैं हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी खुशी को तो पतंग लेकिन है क्या पतंग पतंग कागज का वो टुकड़ा है जिसमें बांस की दो खपच्ची लगी है और उसमें उसके साथ एक धागा बंधा हुआ है और आप उस पतंग को ऊंचाई से छोड़ देते हैं और फिर धागे की सहायता से वो पतंग खुले आसमान में उड़ती रहती है अब पतंग एक पतंग जो मेरे पास है वो मैं दिखाना चाहूंगी दर्शकों को ये पतंग है आप देख पा रहे हैं इस पे डिजाइन बना हुआ है कुछ गोल-गोल सा आपको डिजाइन दिख रहा होगा और इसका आकार क्या है स्क्वायर जैसा है लेकिन स्क्वायर अब अगर मैं ऐसे पकड़ूं तो ये स्क्वायर है और अगर मैं इसका एक कोना ऊपर रखूं तो ये पतंग का आकार ले लेती है और इस पे डिजाइन भी बना हुआ है आप कोई भी डिजाइन अपनी पसंद से बना सकते हैं और ये कागज से नहीं बनी है ये बहुत हल्के से पॉलिथीन से बनी है जो बहुत लाइट वेट है और आप देख पा रहे होंगे एक बांस ऐसे आढ़ा लगा हुआ है और एक बिल्कुल सीधे लगा हुआ है ये देखिए एंड टू एंड और दूसरा जो लगा है वो हॉरिजॉन्टल आढ़ी रेखा है स्लीपिंग लाइन आप कह सकते हैं उसमें लगाने की कोशिश की लेकिन उसको सीधा नहीं रखकर थोड़ा सा वो कर्व शेप दे दिया है ताकि पतंग अपनी शेप बनाए रखे और अब इतनी हल्की है कि अगर मैं इसको ऊपर से छोड़ भी दूंगी तो ये उड़ते उड़ते स्टूडियो में इधर उधर घूमेगी लेकिन अभी इस पतंग पर क्या है इसमें धागा नहीं बंधा है और रेनू आपको पता होगा पतंग में धागा बांधना भी एक कला है जी। आप ऐसे ही कहीं से धागा नहीं बांध देंगे पतंग में इसमें आपको दो छेद करने होंगे जहां दोनों खपच्चियां मिलती हैं वहां से एक छोटा सा धागा आपको पिरोना होता है फिर उस धागे में गांठ लगानी है और फिर आगे आपको लंबी डोरी पतंग की बांधनी है वो तो हम अभी करके नहीं दिखाएंगे ये आपका होमवर्क है क्लास वर्क समझ लीजिए अपने अपने पेरेंट्स को ब्रदर्स सिस्टर्स को बोलिए पतंग में धागा बांध के उड़ाएं, दिखाएं आपको समझाएं कैसे बनता है और कोशिश भी करिए उनके साथ बांधे। अच्छा जो पतंग का धागा होता है आपको क्या लगता है वो ऑर्डिनरी साधारण सा धागा है जिससे हम सिलाई करते हैं मैम मुझे लगता है कि शायद थोड़ा अलग होता होगा क्योंकि हाँ। वो हवा में जाता है बिल्कुल थोड़ा अलग तो होता ही है जो पतंग का धागा है, ये देखिए मेरे हाथ में ये बड़ी सी चरखी जैसा कुछ है ये है तो बिल्कुल वैसी जैसे हमारी सिलाई की जो रील होती है ना वैसा ही है लेकिन थोड़ी बड़ी है और इसके दोनों तरफ पकड़ने के लिए डंडी लगी हुई है तो मैं पकड़ करके आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे मैं घुमा रही हूँ तो चरखी में इसे बोलते हैं चरखी चरखी में जो धागा है पतंग का उसको मांझा बोला जाता है ये मांझा अलग अलग रंग बिरंगे रंगों में आता है रंग बिरंगी थिकनेस में आता है अलग अलग इसकी मोटाई होती है और इसकी शार्पनेस भी बहुत होती है hmm. तो ये तो चरखी पकड़ी भी ऐसे जाती है ऐसे करके ताकि ये जो डंडियां हैं वो फ्रीली घूम सकें अगर आप इसको रिजिट पकड़ लोगे और उड़ाने वाले ने कहा कि ढील दो ढील देने का मतलब ढीला छोड़ो ताकि मांझा उसका फ्रीली पतंग को और ऊपर उप, तक ले जा सके ये तो हुई चरखी और ये थी पतंग हमने आपको दिखाई अब देखते हैं इस कविता में है है क्या? तो मैंने आपकी जो रिमझिम कक्षा एक की, उसका आठ है पतंग। अब हम उसका मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी पावर पॉइंट में डाले ताकि पता लगे कि हम उसी पाठ्य पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो रेनु देखते हैं इस, इस कविता में अभी क्या है जी मैम जी तो पावर पॉइंट दिखाते हैं जी. पहली स्लाइड हाँ ये देखिए इस चित्र में क्या है एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसी ही पतंग है जैसी हमने आपको अभी दिखाई और चरखी भी वैसी ही है लेकिन इसकी पतंग में एक पूछ निकली हुई है हुँ. तो इस चित्र में दिखाया हुआ है एक छोटा सा लड़का अपने दोनों हाथों में पतंग लिए घुटनों के बल एक उसका पैर मुड़ा हुआ है और एक घुटना उकड़ू करके वो बैठा हुआ है और पतंग के पास ही जरा सी सी दूरी पर एक चरखी पड़ी हुई है ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी मैदान में या किसी बगीचे में बैठा हुआ है फिर अब शीर्षक है अगली स्लाइड में मैंने अगली स्लाइड किया तो वहां पे पतंग का शीर्षक है ऊपर लिखा हुआ हिंदी में और उसके नीचे जो चित्र है उसमें एक पतंग है जिसके तीनों कोनों से झंडियां सी निकल रही हैं और पतंग पर बहुत सुंदर सा एक चेहरा बना हुआ है दो बड़ी बड़ी सी आंखें हैं और एक चेहरा है और हम पतंग के पीछे देख भी रहे हैं कि एक धागे सर निकला हुआ है तो इसका मतलब इस पतंग में मांझा बांध दिया गया है अब कविता हमारी शुरू हो जाती है कविता क्या कहती है सरसर सरसर उड़ी पतंग फरफर फरफर उड़ी पतंग इसको काटा, उसको काटा खूब लगाया सैर सपाटा अब ये सर 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 क्या है जी क्या है रेनू सर सरसर मैम ये मुझे लगता है कि जब पतंग हवा में उड़ रही है तो उसकी आवाज है हाँ पतंग की आवाज और पतंग बनी है कागज से कागज से या पॉलिथिन से हाँ। तो ये ये देखिए ये जो आवाज है ये सरसर सरसर सर वाली आवाज है ये तो कागज की पतंग की आवाज होगी लेकिन अगर पतंग में कई बार हम कुछ कुछ कपड़े की पतंगे या कुछ कतरने भी कई बार हम लगा देते हैं तो उसकी आवाज़ कैसे आएगी ये देखिए कुछ फरफराहट की आवाज आ रही है साउंड साउंड बदल थोड़ी सी आवाज बदल जाती है और ये साउंड हम तब भी सुनते हैं जब आप मम्मी की कभी आप मदद करो गीले कपड़े आप रस्सी पे डालो और हवा जोर से चले तो जो हवा से कपड़े हिलते हैं उस तरह की आवाज फर फर, फर, फर. तो यहाँ पे ये इमेजिन किया गया है कि सरसर सरसर सर उड़ी पतंग पतंग उड़ रही है हवा में जब वो हिलती है तो सरसर सर की आवाज आती है फर 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 उड़ी पतंग वो भी एक आवाज है जब कपड़े हवा से हिलते हैं हुँ. अब इसको काटा उसको काटा खूब लगाया सैर सपाटा सैर सपाटा तो हमें समझ में आ गया हमने पतंग को धागा बांध करके उड़ने के लिए छोड़ दिया तो पतंग उड़ रही है कभी इस तरफ जा रही है कभी उस तरफ जा रही है कभी और ऊपर जा रही है तो वो तो हो गया जिसे लगता है जिसे पतंग आसमान में सैड सपाटा कर रही है लेकिन इसको काटा उसको काटा इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब क्या हो सकता है मैम मुझे लगता है कि बहुत सारी पतंगे आसमान हाँ। में हैं और उनके आपस में हो सकता है कि कुछ ना कुछ कंपटीशन हो कि हाँ, कौन ये हो सकता है बिल्कुल और ये भी तो जैसे आपकी पतंग है और मेरी पतंग है, है तो मैंने अपनी पतंग ज्यादा ऊपर कर दिया या आपने ऊपर कर दिया तो मुझे लगा आपकी कत, पतंग मेरी पतंग से ऊपर कैसे और कई बार ये भी होता है जब पतंगे बहुत सारी आसमान में होती हैं तो उनके धागे उनके मांझे एक दूसरे से टकरा जाते हैं एक दूसरे में उलझ जाते हैं और जब उलझ जाते हैं फिर जो दोनों पतंगे जो उड़ा रहे हैं लोग या बच्चे वो अपनी अपनी पतंग को जब अलग करने की कोशिश करते हैं तो अब धागे तो उलझे हुए हैं तो क्या होता है मांझे उलझने से वो एक मांझा दूसरे मांझे को काट देता, देता है, है। अब ये कैसे संभव है चलिए कोशिश करके देखते हैं सो so, रेनू आप ये पकड़िए ये मैं मानती हूं मान लेती हूं पतंग का एक धागा है जो पतंग आसमान में है ये आप इसको ऐसे पकड़े हां और ये मेरी चरखी का थोड़ा सा मांझा है ठीक है अब हम ये मानते हैं कि ये मांझा दूसरी पतंग के मांझे से टकरा गया अब मैं इसको हटाने की कोशिश कर रही हूं तो क्या हो ओहो, रहा है ये तो टूट गया सो बिल्कुल ऐसे एक पतंग दूसरी पतंग को काट देती है सो इसीलिए लिखा इसको काटा उसको काटा खूब लगाया सैर सपाटा अब क्या हुआ फिर जब सैर सपाटा लगा भी रही है फिर चलो गलती से कट गया किसी की पतंग लेकिन उसके बाद अब इस पतंग को क्या लगा अब लड़ने में जुड़ी पतंग तो पर पतंग को बहुत मजा आया एक दूसरी पतंग काट के तो उसको लगा चलो और भी पतंगे काटते हैं तो वो पतंग दूसरी पतंगों से अब जान करके झगड़ने में जैसे लग गई हो फिर अरे कट गई लुटी पतंग अब जब आसमान में पतंग कटेगी तो क्या होगा उसके पीछे पीछे धागा भी है तो वह ऐसे लहराते हुए जब नीचे आती है तो बहुत सुंदर दृश्य भी होता है लेकिन जिसकी पतंग कटी है उसको तो दुखी होता है जी। फिर वही दो लाइनें सर 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 उड़ी पतंग फर 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 उड़ी पतंग अब जो स्क्रीन, जो स्क्रीन आपके सामने आ रहा है उसमें एक चित्र है जहां पर एक बगीचे में चार बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं इसमें तीन लड़के हैं और एक लड़की है एक लड़के के हाथ में जो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पर लड़का है उसकी पतंग आसमान में है और उसके साथ एक लड़की खड़ी होकर के पतंगी पतंगों की ओर इशारा करके खूब खुश हो रही है और उनके सीधे हाथ की तरफ एक और लड़का है जिसके साथ एक छोटा सा कुत्ता है उसकी चरखी जमीन पे पड़ी है और दो तीन चरखियां और भी जमीन पे पड़ी हैं और वो भी पतंग उड़ा रहा है एक और लड़का इस सीधे हाथ वाले लड़के के साथ बैठा हुआ है और ये वही बच्चा है जिसकी चित्र से हमने शुरुआत की थी वो नीचे जमीन पे बैठा है और वो पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहा है मुझे तो लग रहा है वो अपनी पतंग में धागा बांध रहा है जैसे मांझा बांध रहा हो तैयारी कर रहा है पतंग उड़ाने के बिल्कुल और इनके बिल्कुल पीछे बहुत दूर दो बच्चे और हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं सो ये दृश्य दिया हुआ है और इस दृश्य के ऊपर वो चार लाइनें जो अभी हमने पढ़ी कि अब लड़ने में जुटी पतंग अरे कट गई लुटी पतंग लुटी पतंग क्यों क्योंकि जब पतंग नीचे आती है तो फिर समझ नहीं आता वो ऐसा नहीं होता कि जो पतंग उड़ा रहा है वो उसी के पास जाके गिरेगी वो पतंग हो सकता है बहुत दूर भी जा करके गिरे तो फिर जिसके हाथ में उसकी डोर आई पतंग उसकी हो गई मैम मैं भी यही पूछने वाली थी कि लुटी पतंग हाँ। क्योंकि इसका भी एक अपना ही दृश्य होता है जब पतंग नीचे गिरती है हाँ। तो बच्चे जो होते हैं वो सारे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं किसके कि हाथ में आएगी हाँ <laughs> तो ये वो वाला भाव है लुटी पतंग तो चलिए अब इसमें एक चीज और है अब रेनू मुझे कैसे पता लगेगा कि आपकी पतंग ज्यादा ऊपर गई है कि मेरी पतंग हम्म मैम हम ये देखकर कि पतंग कितना डिस्टेंस है इससे हाँ डिस्टेंस तो है।, है अच्छा इसमें एक चीज़ और भी हो सकती है हम क्या कर सकते हैं जो हमारा मांझा है जो हमने पतंग से बांधा हुआ है हम ये मान लें कि रेनू और मेरे पतंग के मांझे बराबर बराबर हैं और जब मैंने पतंग उड़ाई और रेनू ने पतंग उड़ाई तो मेरी चरखी से कितना मांझा खुल कर के आसमान में गया और रेणु आपकी चरखी से खुलकर के जितना मांझा आसमान में गया जी। तो उससे हमें पता लग जाता है कि कितनी ऊंची पतंग गई है तो ये तो गणित भी हो गया हिंदी के साथ में कि आपको पता लगे कि कितना डिस्टेंस कितनी दूरी हमारी पतंग ने कवर की है और जितनी ऊंचाई में आसमान में पतंग जाएगी उतना ही आपको मांझा चाहिए जा, होगा ज्यादा चाहिए है ना जी तो पतंग क्या ऐसी ही होती है चुकोर मैम मुझे लगता है कि क्योंकि मैं बड़ी हूँ हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं कई जगह पतंग अलग अलग शेप में होती है हाँ। और यहाँ पे हम आपसे जानने भी वाले थे कि आ, पतंग जो होती है वो किन किन साइज में और शेप्स में होती है और क्या उन्हें पतंग के अलावा कुछ और भी कहा जाता है देखो पतंग तो पतंगी है अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दे सकते हैं आप उसको लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारी अलग तरह की पतंगे भी हैं चोकोर जैसी हमने दिखाई ये तो इसको मुझे लगता है हमारी परंपरागत पतंग है जिसके आसपास आप झंडिया लगा दो कोनों पर लगा दो तो वो हवा में लहराते हुए जाएंगे और झंडियां भी लहरा रही हैं फिर मैंने ये भी देखा कि दिवाली के टाइम पर कंदील जैसी पतंगे भी होती है जिसके नीचे आप दीपक लगा करके छोड़ देते हैं तो वो बहुत सुंदर दृश्य लगता है फिर पतंगे आजकल डायनासोर की शेप में भी आ रही हैं बहुत बड़ी पतंगे भी आ रही हैं और बहुत छोटी पतंगे भी आ रही हैं और पतंगे हर शेप हर साइज हर रंग में मिलती हैं और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत पहले तो ऐसा भी होता रहा है पतंगों पे संदेश लिख कर के भी पहुँचाए जाते रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर तो वो भी है जी तो मैम ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि पतंग का एक साइज फिक्स नहीं है नहीं है परंपरागत तरीके की पतंग जो हमारे पास है और उससे बड़ी और छोटी पतंग हर तरह की और हर देश की अपनी, अपनी पतंग अपनी तरह की पतंग है उसमें उनकी संस्कृति के रंग झलकते हैं तो वो भी है तो मैम जैसे ये आपने कहा कि उनकी संस्कृति के रंग छलकते हैं तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है आपसे जानना कि क्या पतंग उड़ाने का कोई एक पर्टिकुलर समय है या फिर किन कंडीशंस में उड़ाई जाती हैं या बच्चे ये जान के बहुत खुश होंगे कि क्या पूरे साल हम पतंग उड़ा सकते आप बिल्कुल उड़ा सकते हो पूरे साल पतंग लेकिन पतंग उड़ाने के लिए आपको चाहिए क्या हवा चाहिए जी हवा होगी तभी तो पतंग हवा की साथ इधर उधर घूमेगी तो सबसे पहली चीज हवा होनी जरूरी है फिर दूसरी चीज पतंग उड़ाने के लिए आप घर की छत पे ना जाएं, छोटी छत तो बिल्कुल ना जाएं। आप किसी पार्क में चले जाएं, किसी खुले मैदान में चले जाएं। और अगर आपको आपकी छत पर ही पतंग उड़ानी है तो छोटे बच्चों को ये दिया जाता है सुझाव कि वो अपने से किसी बड़े का साथ जरूर रखें क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे पतंग उड़ाने में और कटी हुई पतंगों को पकड़ने में इतने खो जाते हैं उन्हें ध्यान नहीं रहता कि छत छोटी है या उसकी मुंडेड़ हो सकता है नुकीली है तो दुर्घटना से बचने के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि आप छत पे पतंग ना उड़ाएं लेकिन उड़ानी तो है तो आप कभी भी उड़ा सकते हैं हवा चले तो आप जाकर के अपने पार्क में अपने दोस्त के साथ पतंग उड़ा सकते हैं और पतंग उड़ाना भी एक कला है हरेक के बस का भी नहीं है पतंग उड़ाना okay. क्योंकि पतंग उड़ाने के लिए जैसे ये पतंग अगर मैं उड़ाना चाहूँ जो मेरे हाथ में है हुँ. तो ऐसा नहीं कि मैंने बस धागा खींचा और मेरी पतंग उड़ जाएगी ऐसा नहीं होता है आपको थोड़ी दूरी पर आपके एक साथी की जरूरत होती है जो इसको लेकर के एकदम उछल करके छोड़ दे जी. तो बिना उसके पतंग कैसे उड़ेगी हुँ. है ना यानी एक साथी जरूरी जरूरी और फिर वही साथी आपकी चरखी संभालेगा जी तो ये तो बात है मैम उन कंडीशंस की कि बच्चों को किस किस तरह की कंडीशंस में पतंग उड़ाना चाहिए जैसे आपने हमें दिखाया था हमारे प्रेजेंटेशन में भी जो बच्चे पतंग उड़ा रहे थे वो खुली जगह पे उड़ा रहे थे तो जैसे वो तो हम ये कह सकते हैं कि गांव का एक हम स्थान ले सकते हैं हम मान सकते हैं अगर जैसे आपने कहा कि पार्क में जाए या फिर बच्चे अपने छत पे जाके उड़ाएं हाँ पार्क में जाइए ना आपको साथ में चार लोग और भी मिलेंगे पतंग उड़ाने के लिए तो आप उनके साथ उड़ाइए फिर मजा तो तभी आएगा ना देखें किसकी पतंग कहाँ पहुंची है किसकी पतंग कितनी देर तक आसमान में रहती है किसकी पतंग को आसमान से उतारने में कितना टाइम लगता है कुछ प्रिकॉशन या सावधानियां बरतनी चाहिए हमें आप इस आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि जो बच्चे पतंग उड़ाना चाहते हैं तो वो क्या क्या सावधानी बरतें क्या क्या प्रिकॉशंस वो पतंग उड़ाते समय में देखो पतंग हमारी ना खुशी को दर्शाता है जैसे जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो 15 अगस्त के आसपास बहुत सारी पतंगे उड़ाई जाती हैं। उसी तरह से मकर संक्रांति के आसपास भी बहुत पतंगे उड़ाई जाती हैं। अब इस ये ऐसे दो समय हैं जब हवा भी ठीक होती है मौसम भी ठीक है अब आप कहें मैं सर्दियों के मौसम में बाहर जाके पतंग उड़ाऊं तो अभिभावक आपको पेरेंट्स आपको कहीं नहीं जाने देंगे क्योंकि एक तो वैसे सर्दी है ऊपर से हवा चल रही होगी तो आपके बीमार पड़ने का खतरा है तो पतंग उड़ाने का मौसम बहुत समझदारी से चुनना होगा इसीलिए मकर संक्रांति और पंद्रह अगस्त ऐसे दो समय हैं जहां हवा भी है लेकिन बीमार पड़ने का उतना खतरा नहीं है तो पहले तो मौसम सब हाँ। समझदारी से चुने ठीक है और उसके लिए पेरेंट्स की बात जरूरी है मानना यानी कि मैम बच्चे जब बाहर जाए मकर संक्रांति क्योंकि बस हम अब ये कह सकते हैं कि आने ही आने ही है, आने ही वाली वाली है बिल्कुल और बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे पतंग उड़ाने के लिए तो बच्चों आपको अपने आप को पैक करके रखना है मैम हम अपनी कविता की ओर वापस आते हैं और आपके पास एक वीडियो भी है सभी बच्चों के लिए वो वीडियो में दिखाना चाहूंगी वो साइन लैंग्वेज का वीडियो है तो जब तक हमारी साइन लैंग्वेज का वीडियो प्ले होता है एक और सावधानी छत पे कभी भी अकेले पतंग नहीं उड़ाएं चाहे बड़े हों चाहे छोटे बच्चे हों क्योंकि पतंग उड़ाना एक ऐसा खेल है जिसमें हम खो जाते हैं पूरी तरह से तो हमें दुर्घटना से बचने के लिए हमें पूरा सावधानी रखनी है कि हम अकेले नहीं उड़ाएं जहां तक संभव हो हम किसी मैदान में जाकर के उड़ाएं तीसरी चीज जो पतंग उड़ाने का मांझा है वो मांझा आपको जो एक बहुत ही नुकीला शार्प मांझा आता है आप वो इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो इतना तेज होता है कि उससे आपको चोट भी लग सकती है आपकी उंगलियां कट सकती हैं और अगर कटी हुई पतंग के साथ वो मांझा नीचे आ रहा है तो कई बार पक्षियों की गर्दन में फंस करके वो मर सकते हैं उनके पंखों को नुकसान पहुंच सकता है और जो बाइक सवार हैं साइकिल सवार हैं अगर उनके शरीर से वो छूता है धागा और लिपट जाता है उनसे तो उनको भी चोट लगने की संभावना होती है तो बहुत सोच समझ के पतंग की चरखी का मांझा इस्तेमाल करें और आपको तो खेल का मजा लेना है ना काटनी थोड़ी आप अपनी पतंग के साथ रहिए दूसरे को दूसरे की पतंग के साथ रहने दीजिए तो हमें ऐसा करना है तो अब देखते हैं हमारा वो पतंग का वीडियो जो साइन लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये आ, मैं पहले इसको प्ले करती हूँ फिर मैं इसको फुल स्क्रीन कक्षा एक की, हिंदी की पाठ्य पुस्तक भीमचिन भाग एक का ग्यारहवा पाठ पृष्ठ संख्या छिहत्तर से उनासी तक पाठ ग्यारह कविता पतंग रचनाकार सोहनलाल द्विवेदी सर, 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 उड़ी पतंग फर 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 उड़ी पतंग इसको काटा उसको काटा खूब लगाया सैर सपाटा अब लड़ने में जुटी पतंग सो so, ये हमारा था साइन लैंग्वेज का वीडियो इसी पार्ट पतंग से ठीक है अब ये पूरा मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अब थोड़ा सा होमवर्क थोड़ी सी आप अपने पेरेंट्स की भी मदद लीजिए ना ये आपको दीक्षा पे मिलेगा मैम यहाँ पे मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी क्योंकि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं और बहुत ही रोचक और क्रिएटिव चीजें करना उन्हें पसंद है क्या बच्चे घर में पतंग बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं बच्चे घर में पतंग लेकिन अकेले ना बनाएं और अपनी ही बनाई हुई पतंग को जब आप लेकर के बाहर जाएंगे उड़ाने तो थोड़ी सी सावधानी अगेन आपको रखनी पड़ेगी एक तो कागज जो आप इस्तेमाल करें वो पतला हो जितना बारीक कागज हो पतंग का उतना बेहतर है और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि परंपरागत पतंग चौकोर वाली न बनाकर बच्चे क्या करते हैं अपनी कॉपी का या किताब का एक पन्ना फाड़ा उसके दो कोने पे छेद करके धागा बांधा और उसको लेकर के भागते हुए जब वो जाते हैं तो वो धागे की सहायता से आपका कागज आपके पीछे 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 पीछे, पीछे आ रहा होता है सो वो भी आपको एक जॉय देता है पर भागते वक्त अगेन सावधानी रखिए क्लास में और घर में तो बिल्कुल नहीं करना ये ठीक है पार्क में करिए बगीचे में करिए खुली जगह पर जाकर, और सड़क पर भी नहीं करना है जहां पे ट्रैफिक आ रहा जा रहा हो वहां पे भी नहीं करना है तो बच्चों आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है जो भारतीय माम ने आपके साथ साझा की है इन सभी बातों को आप ध्यान में रखें उन टिप्स को ध्यान दें अभी फिलहाल मैम हम आगे बढ़ते हैं अपने सत्र में और हम बढ़ते हैं मुख्य शब्द की तरफ और हमेशा की तरह हमारे पास तीन मुख्य शब्द हैं और वो हम आपके साथ साझा करते हैं हमारे आज का पहला मुख्य शब्द है सैर सपाटा सैर सपाटा हमारा आज का दूसरा मुख्य शब्द है जुटी जुटी हमारा आज का तीसरा मुख्य शब्द है लुटी लुटी तो ये रहे हमारे आज के तीन मुख्य शब्द मैम आपके पास कुछ गृह कार्य है हमारे बच्चों के लिए। है, लेकिन मैं गृह कार्य से पहले मुझे ये बताइए पतंग से मिलते जुलते कौन से लयात्मक शब्द हो सकते हैं पतंग से मिलते जुलते हाँ। थोड़ा सा मुश्किल करे ना। ना। सवाल है पतंग है तरंग है उमंग उमंग है ठीक है तो सोचिए जरा सैर सपाटा से मिलता जुलता और क्या शब्द है और आप ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप सैर सपाटा करने गए हैं और आप क्या जाते भी हैं सैर सपाटा करने जब हम सैर सपाटा करने जाते हैं तो हमें कैसा लगता है सोच के देखिए क्या स्कूल वो जगह हो सकती है जहां आप सैर सपाटा करने जाते हैं शायद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती स्कूल में तो हम पढ़ने जाते हैं ना हाँ पढ़ने तो जाते हैं लेकिन जब स्कूल आपको पिकनिक पर लेके जाता है तो उस दिन तो सैर सपाटा हो जाता है हो जाता है ना या जिस दिन स्कूल में कोई थिएटर वाला आए या कोई कल्चरल प्रोग्राम हो उस दिन सैर सपाटे की जगह हो ही जाती है स्कूल जी. भी चलिए देख लेते हैं हमारा हमारा आज का होमवर्क क्या है हमारा पहला प्रश्न तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई वहां तुमने क्या क्या देखा तो पतंग के साथ सैर सपाटे पे कहा जाएंगे जहां पे भी जा सकते हैं वो सब जगह लिखनी है आपको जी. और दूसरा प्रश्न पतंग कटकर कहाँ गिर सकती है ये दोनों प्रश्न आपकी पाठ के अंत में दिए हुए हैं ठीक है ठीके? अच्छा अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मेरे जैसे जिनको लिखना बिल्कुल नहीं पसंद है हुँ. तो हमने उनके लिए क्या कहा हमने इसी ग्रह कार्य को थोड़ा संशोधित कर दिया प्रश्न तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर कहाँ गई पार्क में गई पड़ोसी की छत पर गई अपने घर की छत पर गई ठीक है मौसी के घर जाकर के पतंग उड़ाई मैंने तो आप वहां का वहां का आप लिख सकते हैं और ये टिक भी कर सकते हैं पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिरती है पतंग कटके कहा गिरेगी आसमान में रहेगी क्या कुछ देर <laughs> तक तो रहेगी आसमान में लेकिन फाइनली पतंग को कहाँ आना पड़ेगा जमीन पर तो इसीलिए हमने ऑप्शन ऐड किए हैं आसमान या जमीन आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है रेनु कभी मन में ये सवाल आया कि पतंग आसमान से नीचे ही क्यों आती है या कोई पत्ता भी गिरता है तो वो नीचे ही क्यों आ जाता है ची। क्यों आ जाता है? माम, अगर इसके बारे में थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा अगर बोला जाए तो हाँ। ग्रेविटेशनल फोर्स है exactly, वजह से वो नीचे exactly, ही आता है। एग्जैक्टली exactly. ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है यहाँ पर तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं देखो हम साइन साइंस को जोड़ रहे हैं हिंदी के साथ है, है ना तो हिंदी में हमने पतंग की कविता के बारे में पढ़ा पतंग कैसे लिखते हैं वो देखा पतंग उड़ाने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या मज़ा आता है पतंग उड़ाने में वो देखा इसी के साथ विज्ञान का एक सवाल भी कि पतंग नीचे ही क्यों गिरती है पतंग नीचे इसलिए गिरती है क्योंकि धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है जिसे अंग्रेजी में हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं वो पतंग को नीचे अपनी ओर खींचता है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो आप किसी भी चीज़ को ऊपर से या कहीं पर ऊपर की तरफ भी फेंकोगे तो वो हमेशा नीचे आती है बॉल आपने ऊपर उछाली वो भी वो नीचे आती है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है तो एक ही विषय से आप बहुत सारे विषय पढ़ सकते हैं तो ये तो हुआ हमारा संशोधित ग्रह कार्य ठीक और बच्चों ये आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि किस तरह से आपको अपना ये गृह कार्य हम तक पहुँचाना है सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है फिर आपकी कक्षा फिर आपके विद्यालय यानी स्कूल का नाम और पता फिर हमारे आज के एक्सपर्ट का नाम आज के सेशन यानी सत्र की तिथि और फिर आपकी फोटोग्राफ जो पूरी तरह से ऑप्शनल है आप लगाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और आपको अपना ये गृह कार्य हमें भेजना है डी टी एच डॉट क्लास वन

सत्र इंटरप्रेट किया थैंक यू सो वेरी मच और अभी फिलहाल मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से इजाजत लेकिन आप बने रहिए ई विद्या चैनल्स और एनसीआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नमस्कार Thank you,